ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتوفق للخير اسلامی بھائیوں اور بزرگوں جوانوں اور پیارے بچوں اور خواتین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انعامات اور اپنی نوازشوں کے ذریعے ہمیں آج تک صحیح سلامت رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ اور جمعہ نصیب فرمائے. آج کے اس خطبے میں میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد اس کی رحمت سے صلات نماز کون لوگ چھوڑتے ہیں کون لوگ ترک کرتے ہیں نماز چھوڑنے والے کون لوگ ہوتے ہیں اس لیے بھی آپ کو یہ بات اچھی طرح مختلف طرق سے معلوم ہوئی ہے اور خود میں نے اپنے خطبات میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جس انسان کے دل میں جس انسان کی زندگی میں نماز کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کی زندگی میں اسلام بھی نہیں ایمان بھی اس میں یہاں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کا اقرار ہے نماز کو عین ایمان کا نماز کو ایمان کہا ہے لہذا ایک انسان اور وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اگر اس مسلمان کے بچے کے یہاں نماز نہیں ہے تو پھر اس کے یہاں نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے نہ وفا ہے نہ تقویٰ ہے نہ خوف ہے نہ خشیت ہے نہ ڈر ہے نہ جنت کی طرف اور جنت کی امید ہے جنت کی امید بھی نہیں ہے اس کی کیونکہ جو جس چیز کی امید رکھتا ہے وہ اس کے لیے بھرپور کوششیں کرتا ہے اور اللہ کا قانون بھی ہے کہ وہ ليس للإنسان إلا ما سعى انسان جس چیز کے لیے کوششیں کرتا ہے اسے وہ چیز حاصل ہوتی ہے آپ جنت کے لیے کوششیں کریں گے یقیناً آپ کو جنت ملے گی مگر کوششیں آپ کی اللہ اور
उसके रसूल की बतलाए हुए तालीमात और बतलाए हुए अहकामात की रोशनी में हो, ना कि आप अपने मनमानी ख्यालात और ख्याली दुनिया में चल रहे हो, सफर कर रहे हो कि और आप जो है अपने दिल में ठान लिए हो कि भाई नहीं, मेरा तो एक ही रास्ता है जन्नत की तरफ जाता है, उसी में जाऊंगा। लेकिन आपका काम जो है अल्लाह रसूल की तालीमात और अहकाम के बरक्स उसके खिलाफ है, तो फिर आप दिल जन्नत को नहीं जा सकते, आपकी उम्मीद बेहतर उम्मीद है बेकार। नमाज इंसान की रूह को ताजगी बख्शने का आला है। आप क्यों समझिए कि नमाज रूह है, नमाज एक करंट के मानंद है, बिजली के मानंद है, जिस करंट और बिजली के जरिए से बल्ब चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, ये लाउड स्पीकर चल रहा है, उसी तरीके से ईमान एक बिजली करंट जिसके जरिए से एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और उसकी खुसूसी इनायात को नवाजिशों को पा करके वो जिंदा और ताजिंदा करता है। बाहर चारों तरफ लाइट हो, करंट हो, बिजली हो, सब आपके मस्जिद में, आपके घर में एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, सब कुछ हो, फ्रिज हो, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो जिससे आप खूब भरपूर फायदा उठा, मगर बाहर चकना चोर लाइट है, करंट है, बिजली है, आपके घर में सप्लाई नहीं हो, आपके घर तक नहीं पहुंच रही है बिजली, पावर आपके घर तक नहीं आ रहा। अब आप बताइए वो फ्रिज, वो एसी, वो कूलर, वो हीटर, वो हीटर आपके कुछ काम का है? कोई काम नहीं। खाली अंधेरा छाया हुआ है, डरा हुआ है, न बल्ब चल रहा है, न पंखा चल रहा है, न एसी काम कर रहा है, न फ्रिज काम कर रहा है, न हीटर काम कर रहा है, कुछ भी नहीं। आप क्या करते हैं? फौरन उठते हैं और जाकर के देखते हैं कहीं फ्यूज तो कटा हुआ है, मीटर चेक करते हैं कहीं वहां से कनेक्शन कट तो नहीं गया, वहां नहीं होता है कॉल पे आते यहां से कोई तार को कटा तो नहीं, वहां भी नहीं होता है जाते हैं आप ट्रांसफार्मर के पास कहीं वहां से गड़बड़ तो नहीं। हर्फ ये कि एक के बाद एक चीजों को चेक करते हैं और तमाम मराहिल को पूरा करते हैं, पहले यहां चेक किए, वहां के बाद वहां चेक किए, वहां के बाद वहां चेक किए, वहां के बाद ट्रांसफार्मर के पास गए और यहां भी नहीं हुआ तो बड़े किसी काम करने वाले आदमी को बुलाए जो उसके आदमी है, जो उसके माहिर है, जो मिस्त्री है, जो उसको ठीक कर दे, किसी इलेक्ट्रिशियन को आप बुलाए तो बेटे को यहां तो बुलाएंगे। जिस तरीके से एक लाइट, एक बिजली, एक करंट वहां से सप्लाई होते होते पावर हाउस से सप्लाई होते होते यहां तक आती है और फिर वो बिजली आपके घर को रोशन करती है, आपके घर के फ्रीजर, एसी, कूलर और हीटर को चलाती है, उसी तरीके से इंसान की जिंदगी में ये नमाज एक करंट और पावर के मानंद है। ये अगर इंसान की जिंदगी में नमाज है, मुसलमान की जिंदगी में नमाज है, तो वो नमाज, उसकी नमाज उसका पावर है, करंट है, बिजली है, जो उसके रब जो अर्श पर मुस्तवी पाक परवरदिगार है, उस अर्श पर मुस्तवी अल्लाह रब्बे जलाल व इकराम से वो नमाज उसे मिलाती है और उसको जिंदा रखती है, उसके जिंदगी को जिंदगी बख्शती है वो नमाज है।
आपकी जिंदगी में नवाज नहीं है तो फिर आप चेक कीजिए उसको कि या तो किसी ने कहीं से कट कर दिया है कनेक्शन, या फिर कोई और गड़बड़ी है, कोई और खराबी है। कट करने वाला शैतान बी से वायर कट कर देगा, आपके यहाँ तक करंट नहीं पहुंचेगा और आप जो है अपने बिस्तर में पड़े रहेंगे। फिर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और जब आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप चेक कर लीजिए जिस तरीके से बगैर करंट और लाइट बिजली के आपका एसी कूलर पंखा लाइट ये सारी चीजें काम नहीं कर सकती है, बल्ब नहीं चल सकता है। उसी तरीके से जब ये सारी चीजें उसके बगैर बर्फ है अंधेरा छाया हुआ है आप देख लीजिए आपकी जिंदगी में अगर नमाजें नहीं है तो अल्लाह की रहमतें नहीं है, आपका दिल मुर्दा है, आपकी जिंदगी एक लाश मानंद है, आपका जिस्म एक लाश मानंद है और आपकी जिंदगी में जिंदगी नहीं है, खरस की आपके अंदर रूह ही नहीं है। फिर आप चेक कर लीजिए कि आपके दिल का बल्ब चल रहा है नहीं चल रहा है, आपके दिल में लगे ट्यूब लाइट काम करने नहीं कर रही है, आपके दिल में जो बल्ब ईमान का इस्लाम का नूर का लगा हुआ है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आप चेक कर लीजिए अगर आपके यहाँ नमाज है, आपके यहाँ इताअत है, आपके यहाँ फरमाबरदारी है, आपके यहाँ दीनदारी है तो यकीनन आपके दिल में जो बल्ब लगा हुआ है ईमान का वो मनोबल उजला है, मुशफ्फा है और दूसरों तक की ओर रोशनी को पहुंचाएगा। एक इंसान जो नमाज नहीं पढ़ता, एक इंसान जो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता अजान सुनने के बाद, पुकारा सुनने के बाद, अल्लाह का नाम सुनने के बाद, तो वो इंसान उस इंसान से भी ज्यादा हीरा हुआ घटिया कमतर खराब है। गर्चे उसका जिस्म तमाना हो, वो ताकतवर हो, वो खूबसूरत हो, बॉडी बिल्डिंग वाला हो, वो खाता हो पीता हो चलता हो फिरता हो मार्स की तरह दिखता हो एकदम सुपर पावर की हो, मगर अगर अल्लाह की सदा अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह अस्सलातु खैरु मिनन नौम की आवाज से उसे न उठ खड़ा कर पाया तो वो उस फालिज और लकवा के मारे हुए बिस्तर पर पड़े हुए कमजोर नहीं करीम इंसान से भी गया गुजरा है जो लकवा फालिज और गोलियों के मारने की वजह से अपने बिस्तर पर जो है मुर्दे की तरह पड़ा रहता है उस काली को मर गए इंसान से भी गया गुजरा वो बॉडी बिल्डिंग ताकत कुवत चाहो किस्मत पावर वाला इंसान है जो 200 ग्राम 300 ग्राम के कंबल को उठा करके अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद में हाजिर ना हो सका वो उस मरीज फालिज के मरीज से भी गया गुजरा। अब आप इस बात का फैसला खुद कर ले कि आप कितना ताकतवर है, कितनी तवानाई आपके अंदर है, कितनी जान आपके अंदर है, आपके अंदर जो ईमान का शरारा है उसके अंदर उस चिंगारी के अंदर रोशनी कितनी है आप उसका अंदाजा लगा ले कि आपकी खूबसूरती के बावजूद ताकत के बावजूद कुवत के बावजूद सारी चीजों के बावजूद कहीं वो गए गुजरे गिरे पड़े मुर्दे के मानित लकवा और खालिज के शिकार इंसान से गए गुजरे आपका जिस्म आपकी जान आपकी रूह तो नहीं है। अब यह फैसला आपको करना है, यह फैसला आपको करना है। तो गलत ये कि एक इंसान की एक मुसलमान की जिंदगी में जिंदगी तब होगी वो हकीकी जिंदगी तब जी रहा होगा जब उसके अंदर ईमान का शरारा चल रहा है, ईमान की चिंगारी और ईमान के शक्ने चल रहे हैं और अर्श से उसका बेहतरीन ताल्लुक तब होगा जब वो नमाज पढ़ता है, नमाजों का पाबंद हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कौन लोग हैं जो नमाजों को छोड़ देने वाले हैं, लोग वो डरते हैं
इमाम उलमा मौलवी दुआ मुबल्लिगीन बहुत डरते हैं अल्लाह के इस फतवे को साफ साफ सुनाने कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो कौन है। लेकिन आज मैं डरने उड़ने वाला नहीं, आज मैं डरने उड़ने वाला नहीं हूँ कि आपको मैं ये फतवा सुना रहा हूँ, इसके बाद आपका क्या होगा मेरा क्या होगा वो आप चाहे आप बताओ चाहे। सूरह नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला साफ साफ अल्फाज में आयत करीमा नाज़िल फरमाते हैं, कहां पे? सूरह रूह 21वें पारे में, 21वें पारे में सूरह रूह है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बेनमाजियों के मुताबिक एक फतवा दिया, वो फतवा आप सुनिए और आप फैसला कीजिए कि आप कितना बड़ा मुसलमान है कितने बड़े अंग्रेजी से। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है बेचारे कोई आलिम कोई इमाम कोई मुबल्लिग कोई दाई जिसने लोगों ने उसको बुलाया है और उसने दीन इस्लाम का कोई फतवा साफ साफ सुनने लगा सुदखोरी के मुताबिक रियाकारी के मुताबिक और दीगर मामला के मुताबिक बेनमाजियों के मुताबिक तो लोग हाथ धुल करके उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अब इसको कैसे यहाँ से कर दिया जाए न रहे मौलवी न रहे फतवा। अब इनका इसको यहाँ बुलाना नहीं तकलीफ कर तुम बुलाओ नहीं बुलाओ रब का कुरान तो अपने अंदाज में सजा देता है तुम सुनो नहीं सुनो रब की आयतें अपने अंदाज में तुम्हें आवाज देती रहेगी तुम सुनो न सुनो रब का पैगाम अगर ऐलान ये गर्दिश करता रहेगा अकीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन या अय्युहल लजीन आमनू तक्कुल्लाहा वदरू मा बकिया मिनर रिबा। रब का ये पैगाम रब का ये अहकाम रब की ये तालीमात जारी और सारी रहेगी। अगर कोई सूदखोर है कोई हरामखोर है तो हरामखोर के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला का फतवा अल्लाह का पैगाम कुरान में वारिद है और वो गर्दिश करता रहेगा। इसी तरीके से बेनमाजी है बेनमाजियों के मुताबिक अल्लाह का ये फतवा गर्दिश करता रहेगा ऐलान होता रहेगा पैगाम पहुंचता रहेगा सदाएं देती रहती है अकीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। ऐ लोगों ऐ लोगों नमाज कायम करो नमाज कायम करो और मुशरिकों में से न हो जाओ। नमाज कायम करो और मुशरिकों में से न हो जाओ। एक रिवायत है जो मुतल्लब ही है मन तरक सलात मुताबिद फकत कफर। ये आयत अगर ये हदीस कोई बयान करते ये रिवायत तो लोग जो है बाद लोग आ जाते हैं आप ऐसा कैसे सीधा कर सकते कुफ्र वाला काम कर दिया काफिर हो गया आप ऐसा कैसे कर सकते। लेकिन इस आयत का क्या जवाब होगा? आप ये कह सकते कि वो रिवायत मुतकल्लम की है वो रिवायत सही था ठीक है चलो लेकिन अकीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन आप कहेंगे नमाज ही नहीं पढ़ा चलो सजदे नहीं किए रुको नहीं किए तिलावत के लिए नहीं किए कयाम नहीं किए मगर शिर्क तो नहीं किया किसी दरबार किसी निजार किसी के आस्ताने किसी चिल्ले किसी पिल्ले किसी किले किसी पिल्ले में तो जाकर के सजदा नहीं किया किसी पीर वली बुजुर्ग फकीर मुरीद गरीब किसने खबर पे जाकर के यहाँ पे जाकर के वहां पे जाकर के मुर्गी नहीं काटे बकरे नहीं काटे ये शिर्क कहां हुआ? खाली नमाज ही नहीं पढ़ा। आपका सवाल हो सकता है हम पूछ सकते हैं आपके जहन में आ सकता है मेरे जहन में भी आ तो आपका जहन तो और कुशादा है और आप सोचने वाले ज्यादा है आपको तो ज्यादा समझ में आती होगी तो आपने और भी सोचा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खाली नमाज नहीं पढ़ा तो काफिर हो गया मुशरिक हो गया। आप सोच सकते हैं लेकिन आपकी सोच की अप्रोच वहां तक नहीं है जहां तक आयत करीमा आयत शरीफा के नुक्ते हैं। नमाज खालिस अल्लाह के लिए नमाज खालिस अल्लाह के लिए सलात खालिस अल्लाह के लिए अकीमुस सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन
है लोगो नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। नमाज अल्लाह के लिए, नमाज इंसान क्यों छोड़ता है? ऐसी बात है, बहुत कम ऐसे खुशबख्त लोग होते हैं, है ना, खुशबख्त जो फजूल में जो घर में पड़ा रहता है वो तो नमाज नहीं पढ़ता, तो खुशबख्त नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा बदबख्त, सबसे बड़ा बदबख्त, बिना काम में नमाज छोड़ दिया। और बेचारे कुछ लोग मजबूरी में छोड़ते हैं, कुछ लोग बेचारे मजबूरी में छोड़ते हैं, अपना काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, मकान चलाते हैं, खेत में काम कर रहे हैं, तो खलिहान में काम कर रहे होते हैं, वो जो है अपने अपनी ड्यूटी में होते हैं, कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, कुछ कर नहीं होते, मजबूरी में नमाज छोड़ा। और बेचारे लोग ये कहते हैं सर मजबूरी है, हम आज यहाँ पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, वहाँ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी मजबूरी है, उनसे हम क्या करें। मगर हम कोई खराब काम, बुरा काम नहीं करते, कोई बुरा काम नहीं करते, कोई बुरा काम नहीं करते, मगर खाली नमाज नहीं पढ़ता। किसी न किसी वजह से इंसान नमाज छोड़ता है, किसी न किसी वजह से इंसान नमाज छोड़ता है। और अल्लाह ने क्या कहा, नमाज छोड़ के मुशरिक न बनो। ऐ बंदो, नमाज छोड़ के मुशरिक न बनो। नमाज छोड़ता है किसी वजह के बिना पर, किसी सबब के बिना पर, लेकिन सवाल है कि उस सबब को, उस वजह को, उस काम को, अपने उस काम को अल्लाह तबारक व तआला के हक में शामिल कर देता है, और उस काम को अल्लाह के काम पर, अल्लाह की इबादत पर, अल्लाह की नमाज पर तरजीह दे देता है, फौकियत दे देता है। को शामिल कर दिया अल्लाह के साथ, जबकि अल्लाह की इबादत खास अकेले तले तन्हा उसके लिए थी, मगर उसकी इबादत को पसे खुश डाल करके उसने अपने काम को बीच में लिया। अल्लाह को ये बात कतन पसंद नहीं है। एक तरफ आपके कार में आपका कस्टमर है, एक तरफ आपका बॉस है, एक तरफ आपकी बीवी है, आपके बच्चे है, आपका काम है, आपका धंधा है, आपका बिजनेस, आपकी तिजारत है, ये सारी चीजें एक तरफ है, मगर अल्लाह की आवाज एक तरफ, हैया अलस्सलाह आ जाओ, यहाँ कामयाबी है, हैया अलस्सलाह यहाँ नमाज है, नमाज के लिए आओ, हैया अलफला और इसी नमाज को तुम्हारे लिए कामयाबी है, जल्दी से उठो, बिस्तर को छोड़ो, दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो और पहले नमाज। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया? अल्लाह की इस बात पर हमने उस बात को अपने काम को तरजीह दिया। अल्लाह को ऐसी मोहब्बत की जरूरत नहीं है, नमाज एक मोहब्बत है, नमाज है मोहब्बत है मोहब्बत, और जिसके दिल में जितनी अल्लाह से मोहब्बत होगी, जिसके दिल में जितनी अल्लाह तबारक व तआला से प्यार होगा, अल्लाह तबारक व तआला से जिस मिकदार में मोहब्बत करता होगा, उसी मिकदार में वो बंदा, वो इंसान अल्लाह को याद करेगा, उसी क्वांटिटी और मिकदार में वो सजदे करेगा, उसी क्वांटिटी और मिकदार में वो नमाजें पढ़ेगा, वो नवाफिल का इंतजाम करेगा, वो रोज़ों का इंतजाम करेगा। अल्लाह अकबर, कैसे ये नमाज ही मोहब्बत है, नमाज की मोहब्बत है। और कैसी मोहब्बत है मैं आगे चल करके अभी बताता हूँ, इससे पहले मैं इस बात को पूरा करता हूँ। जिस तरीके से नमाज मोहब्बत है, और आप अपने जॉब से, अपनी ड्यूटी से, अपने बाल से, बच्चों से, बीवी से, घर वालों से, अपने काम से, धंधे से मोहब्बत करते, क्योंकि वो आपका जरिए माश, अगर आप मोहब्बत नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे क्या, बीवी बच्चों को पालेंगे कैसे। मगर ये तमाम मोहब्बतें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पर जब नमाज मोहब्बत है, तो चूंकि हर एक कम से कम अकल इंसान को इस बात का इल्म है कि मोहब्बत में कोई पार्टनरशिप और शराकतदारी नहीं है। इस बात को मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माए बहने और सारे लोग पूरे कौम के साथ, मोहब्बत में कोई पार्टनरशिप
आपकी महबूबा है, आपकी जान है, आपकी महबूबा जान ही होती है। आमतौर पर उसको जान बोलकर नहीं बुलाया जाता है, इस कदर मोहब्बत होती है, है? तो आपकी जान, आपकी मोहब्बत, आपकी शान, आपका प्यार, आपका इश्क। बच्चों ध्यान से सुनो, हंसने का मकाम नहीं है तुम लोगों के लिए, ज्यादा है इश्क की बात आ रही है, हंस रहे हो, मजे बाद में लेना, पहले सुनो, पहले सुनोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा। मोहब्बत में कोई शराकत दारी नहीं। आप सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बाप से करते, अपने भाई से करते, अपने घर वालों से करते, अपने दोस्तों से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, जिसकी छोटी सी तकलीफ पर आप जो है कूदते हुए आकर कदम में आपके लिए हो, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आपको घबराने की क्या जरूरत है। आपका महबूब तरीन दोस्त मोहब्बत, आपका महबूब तरीन भाई, आपका तमाम रिश्तेदारों में सबसे मुअज्जज, सबसे मुकर्रम, सबसे मोहतरम, खुली रिश्तों में आपका बाप। अगर आपकी महबूबा की तरफ आपका बाप, आपका भाई, आपका दोस्त पूरी नजर से देखें तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कि आपको जो करना है वो करें। अगर आपके महबूबा किसी ऐसे शख्स का नाम ले ले या ऐसी बात किसी के बारे में बोल के जिसे ऐसा महसूस हो के लगता है कि इसको उससे मोहब्बत है, आप फौरन रूप भुला लेंगे, आंख पड़ी कर देंगे, लाल पीली आंख हो जाएगी आपकी, और फिर जो सुर्ख आंखों के साथ आपके तेवर चढ़ जाएंगे, आपका रूप बिगड़ जाएगा, थोपड़ा बिगड़ जाएगा, खामोश बदबा बदसा, तुमने उस आदमी का नाम लिया, तेरी कमर तोड़ देता हूं, तेरी जबान खींच लेता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जान सिर्फ आपके लिए, मोहब्बत में कोई शराकत या पार्टनरशिप है? ऐसा नहीं हो सकता है कि एक खातून से दो वक्त तीन वक्त मोहब्बत करे और तीनों साथ में रहे, ऐसा हो सकता है? एक औरत से तीन आदमी, चार आदमी, दो आदमी शादी करे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो कि मोहब्बत में कोई शराकत दारी है ही नहीं, तो नमाज है मोहब्बत का अल्लाह तबारक व तआला के लिए, और मोहब्बत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस नमाज को अदा किया है, और उस मोहब्बत में अगर आप किसी को शरीक करते हैं तो जिस तरीके से आपकी बीवी में, आपका महबूबा में, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार शरीक नहीं हो सकता है उसके प्यार में, उसके इश्क में, उसी तरीके से रब जलाल व इकराम की मोहब्बत में कोई भी दुनिया की कोई मोहब्बत साथ शरीक और पार्टनरशिप में कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता, कोई भी शराकत दारी नहीं हो सकती है। और जब आप अपने महबूब की, अपने महबूबा की मोहब्बत में किसी को शामिल होने की तरफ इशारा किनारे भी देते तो आप तो उसकी कदर तोड़ दें, उसका कदर करते, उसका खून कर दे। अब आप बताइए, जब अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत एक तरफ है, दूसरी तरफ दुनिया सारी कायनात की मोहब्बत, तुमने अल्लाह की मोहब्बत में जम कर दिया, शामिल कर दिया और सारी मोहब्बत को उस पर खालिद कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत को मखलूक कर दिया, तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे साथ क्या करेगा? क्या करेगा अल्लाह तबारक तआला? अब तुम्हें फैसला करना है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में, जिस तरीके से अपने महबूबाओं की मोहब्बत में किसी की शराकत दारी नहीं, इसलिए तमाम महबूब में सबसे महबूब तरीन साथ अगर कोई हमारी है तो अल्लाह तबारक व तआला की साथ है, और उस साथ की मोहब्बत में हम किसी को शरीक नहीं कर सकते। इसीलिए मालूम यह होता है, अकीमुस सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, कि नमाजों को छोड़ने वाला मुशरिक हो जाता है। और यही बात हदीस मुस्तफा में, बैन रजुली व बैन शिर्क तर्क सलाह, बैन अल-अक्ल व बैन अल-कुफ्र तर्क सलाह। इंसान इंसान एक इंसान उसके ईमान और इस्लाम में और शिर्क कुफ्र में एक पर्दा है,
ايه معنى بين الرجل وبين الشركة تبقى الصلاة والنماز؟ डैम मालूम है जहां पानी रहता है, डैम जिसमें पानी रहता है, पानी रखने वाला डैम में और इधर बस्ती में शहर में एक आग, एक और एक दीवार होती है, एक बंद जो पानी को रोक करके बिल्कुल मजबूत वो बंद खड़े होते हैं। अगर कोई बुलडोजर लेकर के जेसीबी लेकर के उस बंद को तोड़ दे तो क्या होगा? पूरी बस्ती, पूरा शहर तबाह हो जाएगा, पानी भर जाएगा, लोग भर जाएंगे, जाने साए हो जाएंगे। अभी बात अगर समझ नहीं आई तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर इस जमीन में आपने दूध का एक पैकेट रखा है और वहीं पर किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया है, किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया, दूध का पैकेट आपने वहां रखा। अब आप बतलाइए दूध का पैकेट फूट गया, जिस कवर में दूध है उसमें सुराख हो गया और प्लास्टिक फट गई, दूध पेशाब में मिल गया, आप पी सकेंगे? पिएंगे? नहीं पिएंगे, वो खराब हो जाएगा और जब खराब हो जाएगा तो पानी के बहाव के साथ उसको गटर में दूध को बहा दिया जाएगा, उसको मोहरे में बहा दिया जाएगा, वो गंदे पानी में दूध मिल जाएगा। उसी तरीके से एक आर है, एक पर्दा है, एक ओट है, एक दीवार है, ईमान मुसलमान इस्लाम और कुफ्र और शिर्क के दरमियान वो है नमाज। अगर नमाज बीच से खत्म हो जाती है तो बीच में कोई पर्दा नहीं रहता, और जब पर्दा नहीं रहेगा तो तुम भी काफिर, तुम भी मुश्रिक, तुम भी मक्कीन हो जाओगे। अगर इतनी आसान बात समझ नहीं आती तो और इससे आसान कोई बात नहीं, तब फिर दूध दूध दोनों मिला के पीना पड़ेगा, और जब दोनों मिला के पियोगे तो मरोगे, बीमारियां होंगी, और जब बीमारियां होंगी तो परेशान होंगे। उसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी से नमाज हट गई तो तुम काफिर मुशरिक बन जाओगे, और जब मुशरिक बन जाओगे तो तुम्हें सीधा जन्म में जाना पड़ेगा। ये नमाज, नमाज क्या है? जैसा कि मैंने कहा, यह मोहब्बत है। इस मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला ने निराले अंदाज में इस गिफ्ट को अपने महबूब को दिया। कायनात में सबसे अजीम मोहब्बत और महबूब अल्लाह और उसके रसूल के साथ एक दूसरे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे ज्यादा चाहने वाले, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, उन सातों के अलावा सारी दुनिया में ऐसे महबूब कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अहकाम इसी हुए जमीन पर नाजिल किया। या तो हम नबी को ने असरा चुकाओ बना चुकाओ निसाई को बनी यूदनी नारे इन तुम चला बेल देना या अयु हल मुद्दसर खुर बांद दिवार पता फटक दे या अयु हल मुद्दसर में खुद इल्ला 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 करीना। दुनिया कायनात के अहकाम इसी हुए जमीन पर, कभी मदीने में, कभी मक्के में, कभी मैदाए, कभी हरने मक्की में, कभी हरने मदनी में, और कभी कहा, कभी कहा, कभी रास्ते में, कभी सफर में, कभी हसर में। गरज ये थे हर एक अहकाम को इसी रूए जमीन पर रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आज़म से कभी जिब्रील के जरिए, कभी ख्वाब के जरिए, और कभी इल्का व इल्हाम के जरिए अपने पैगाम को नाजिल किया, अपने अहकाम को नाजिल किया। मगर नमाज एक ऐसा तोहफा था, सलात एक ऐसा गिफ्ट था कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही देना जमीन पर पसंद नहीं किया। इससे पहले भी अल्लाह के रसूल नमाजें पढ़ते हैं, नाफिल अदा करते हैं, लेकिन एक मुनज्जम नमाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया एक तोहफे की शक्ल में, उसके लिए एक लंबा सफर, एक ऐसी सवारी का इंतजाम किया कि जिस सवारी के मुताबिक आज पूरी साइंटिस्ट की दुनिया, पूरे साइंस की दुनिया हैरान है कि इस फिजा में उड़ने वाले रॉकेट के बारे में ये कौन हैरान है, परेशान है, इनकी अकलें जवाब दे चुकी है, उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं और उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील के जरिए से कौन सी सवारी देकर के नाजिल की थी? वो बुरा जिस सवार में सवार होने के बाद फौरन एक ही रात में मदीनतुल मक्का से
लेकर के मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन तक और फिलिस्तीन में अंबिया इकराम को इमामत करने के बाद नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब को उसी बुराक के जरिए आसमान पर ले जाया गया। पहले आसमान पर गया, वहां स्वागत हुई, वहां वेलकम हुआ, वहां जो है सियाफत हुई, वहां अंबिया से बातें हुई, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान अंबिया की मुलाकात है, फरिश्तों का सलाम सलाम दुआ के साथ अब सातवें आसमान पर अर्श आज़म के पास रब्बे कायनात के बारगाह में अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पेश होते हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। अल्लाह अकबर, जब कोई किसी के घर जाता है, अपने महबूब के घर जाता है, अपने चाहने वाले के घर जाता है, अपने रिश्तेदार के घर जाता है, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट तोहफा लेकर के जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे महबूब क्या लेकर के आया है? अल्लाह के महबूब जवाब देते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ऐ अल्लाह हर तरह की मेरी इबादतें, हर तरह का मेरा गिफ्ट का सामान, हर तरह का फूल और हर तरह की मेरी अच्छी चीजें और हर तरह की माली बदनी जिस्मानी रूहानी इबादत सारी की सारी तेरे लिए है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, मैंने तेरे लिए ये गिफ्ट लेकर के आया है। रब्बे कायनात उधर से गिफ्ट देता है, कह मेरे महबूब जा, मैंने तुम्हें नमाज गिफ्ट दिया और ये इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की सूरत में आसमान पर अर्श के पास बुला करके दिया। अरे मोहम्मद, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला, अहले ईमान बोलने वाला, अपने मुसलमान बोलने वाला कितना बड़ा बदबख्त है कि अगर उसकी बीवी, उसकी महबूबा एक छोटी सी अंगूठी, एक छोटा सा लॉकेट, एक चैन दे देता है तो उसको पूरी जिंदगी साफ करते रहता है, उसमें रख चढ़ाते रहता है, उसके नक्शो निगार को साफ करने के लिए, उसको रखने के लिए खुसूसी मंच और खुसूसी जगह मुतय्यन की जाती है। और मुझे याद है कि जब एक शौहर के पास बात नहीं, दौलत नहीं, उसने अपनी बीवी के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीद सका, अपने पहली रात शबे सफर फर्स्ट नाइट को अपनी बीवी को एक शेर लिख करके देता है तोहफे के तौर पर कि आज हमारी पहली मुलाकात है और इस मुलाकात में तो कुछ देना जरूरी है, मैं यादगार की चीजें, उसके पास माल नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, एक शेर लिख करके देता, उस शेर को बाद में शीशे में सजा करके, जो कि उसके महबूब ने, उसके शौहर इनामदार ने पहली मुलाकात में उसे वही शेर गिफ्ट दिया था, तो उसकी हिफाजत पर शीशे में करके रखा और पूरी जिंदगी उसको रखा, आज तक रखा। मेरे अल्लाह के प्यारे बंदो, नेक बंदो, जब तुम्हारी महबूबा, तुम्हारी बीवी तुम्हें कोई तोहफा दे, तुम्हारा दोस्त तुम्हें कोई तोहफा दे और उस तोहफे को संभाल करके रखने में तुम कितना एहतियात बरतते हो और उस तोहफे को रखने में ताकि उसकी यादें ताजा रहे, उसकी यादें और उसकी मोहब्बत हमेशा दिल में जिंदा रहे, इतना कुछ करते हो। बताओ, जो रसूलुल्लाह को तेरे रब ने जो तोहफा दे करके हमारे लिए नबी के लिए भेजा है, उस तोहफे की हिफाजत हमने किस अंदाज से किया? क्या हमने अपने महबूब के तोहफे के अंदाज में किया या फिर यूं ही उसको शैतानों के चाल और बहकाओं के मुनाफिकीन की चाल पर चलते हुए हमने छोड़ा? अब आप देखें, आप अंदाजा करें कि आप काफिर बन रहे, मुशरिक बन रहे या महबूब के मोहब्बत के साथ गद्दारी करके बेवफाई कर रहे हैं या फिर मुनाफिक के किरदार को अदा करते हुए नफाक अपने सीनों में लिए हुए नमाजों को जाया कर रहे हैं। अब आपको फैसला करना है, हमें नहीं, अल्लाह पाक परवरदिगार से दुआ है कि मौलाए करीम हम सबको अपने महबूब का पक्का सच्चा मोहब्बत, महबूब बोले तो उधर मत चले जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की जान, क्योंकि सबसे बड़ी मोहब्बत अहले ईमान के लिए अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर किसी की मोहब्बत फीकी हो जानी चाहिए, यही असल मोहब्बत है। अल्लाह पाक को रोजगार हमें सही समझने और इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तफ़क्कुल या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।